स्वागत है आपका आप IAS के डेली हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन आर्टिकल। इसमें से पहला आर्टिकल है व्यवहार को सही दिशा देता अर्थशास्त्र, जो कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी का आर्टिकल है, जो कि अपने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं। तो ये आर्टिकल जो है तो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, जिसमें से इन्होंने एक प्रकार से जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र है तो किस प्रकार से वो बिहेवियरल चेंजेस ला सकता है लोगों में, जिस प्रकार से सरकार के भी पॉलिसीज चल रही हैं, तो उसमें मोस्टली ज़्यादातर पॉलिसीज जो है तो इसी बिहेवियरल उससे चेंजेस से रिलेटेड ही हैं, है ना। ज़्यादातर इसमें से हो तो इसी नज प्रिंसिपल को ही फॉलो किया गया है, जिसमें से लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किए गए हैं, है ना। तो इस संदर्भ में यहाँ पास जो है तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल, इसको हम डिस्कस करेंगे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो है तो ये है, जैसे कि यहाँ पास जैसे जो नशे की स्थिति है, है ना, भारत में, तो यहाँ पास जैसे कि दिल्ली के संदर्भ में इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि इसमें भी अब ज़्यादा मतलब कि प्रयास करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि अभी तक तो पंजाब जैसे मतलब कि राज्य ही इस मामले में ज़्यादा वो हाईलाइट थे, लेकिन दिल्ली में भी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाई लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो इस दिशा में भी सरकार को प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है, तो उस संदर्भ में ये आर्टिकल डिस्कस करता है, तो इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है कि अब कोई विकल्प नहीं है प्रकृति को बचाने के सिवा, है ना। ये माधव गाडगिल जी का आर्टिकल है, जो कि काफ़ी अच्छा आर्टिकल इन्होंने बताया। जो अभी जैसे कि आर्य कॉलोनी वाली भी जो घटना हुई थी, तो उसमें से लोगों ने तर्क दिया था जैसे कि मेट्रो के लिए यहाँ पर यानी कि विकास बनाम पर्यावरण की जो जंग छिड़ गई थी, बात बहस छिड़ गई थी, तो उसी संदर्भ में इनके कुछ आर्गूमेंट हैं कि किस प्रकार से मतलब कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पर्यावरण को कितना ज़्यादा मतलब कि विकास के नाम पे पर्यावरण को पेड़ों को जैसे कहा गया कि उसके बदले मतलब ज़्यादा पेड़ और लगा दिए जाएंगे, तो उसके संदर्भ में इन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से मतलब कि ये क्या ये कितना ज़्यादा यथोचित हो सकता है, है ना। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि जैसे यदि बात करते हैं कि यहाँ पास अभी हाल ही में जब शी जिनपिंग भारत आए थे सेकंड उस पर मतलब सेकंड अनौपचारिक वार्ता के लिए मामल्लपुरम में, तो उसमें से जहाँ पास उसी के बीच में जब प्रधानमंत्री जी ने समुद्र तट जो मामल्लपुरम समुद्र तट वहाँ पर जाकर के साफ सफाई की थी, तो उससे एक प्रकार से जो है तो पूरे देश को एक संदेश के तौर पर इस मतलब कि ये संदेश ही था कि मतलब कि सरकार मतलब कि एक बड़ा लीडर किस प्रकार से यदि स्वच्छता के लिए इतना ज़्यादा प्रतिबद्ध है, तो निश्चित तौर पर लोगों को भी इससे ज़्यादा मतलब कि काफ़ी कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। तो उसी संदर्भ में जैसे कि एक प्रकार से ये इसे कह सकते हैं कि ये वही व्यवहारिक अर्थशास्त्र की ही एक इसको संकल्पना माना जा सकता है, कि उसी की दिशा में एक प्रकार से इसको प्रभावी कदम भी माना जा सकता है, है ना। तो साथ ही साथ यहाँ पास मतलब कि यदि हम बात करें कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में, तो जो हमारी जो आर्थिक समीक्षा की बात करें 2018-19 के, तो इसमें जो है तो इसको काफ़ी विस्तार से समझाया भी गया है, है ना, व्यवहारिक अर्थशास्त्र को कि किस प्रकार से व्यवहारिक अर्थशास्त्र लोगों के विचारों में, है ना, उनको किस प्रकार से उनको एक प्रकार से प्रेरित करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो और लोग उसको मतलब कि उसके काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो उसी संदर्भ में मतलब कि इस आर्टिकल में बताया भी गया है कि जैसे इस साथ ही साथ जैसे कि केंद्र, तो यहाँ पर ज़्यादातर यदि हम इसकी बात करें इम्प्लीमेंटेशन की पॉइंट विशेष बात की जाए, तो ज़्यादातर मोस्टली जो पॉलिसीज होती हैं तो वो तो राज्यों के द्वारा ही इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पास यानी कि अब राज्यों को क्या है कि राज्यों के जो नीति निर्माता हैं तो उनको भी जो है तो लोगों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के प्रभावी कदम उठाने की मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इसका जो इम्पैक्ट हो तो एक प्रकार से बॉटम लेवल तक पहुँचे, और जो है तो निश्चित तौर पर इसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलते हैं। और जब सभी एक प्रकार से सभी मिलकर के इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, है ना, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो निश्चित तौर पे सभी योजनाओं का जो है तो असर जो है तो सभी उसमें दिखने भी लगेगा और लोगों को यथोचित लाभ भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि जो प्रेरक पहल के माध्यम से जैसे व्यवहारिक बदलाव के लिहाज से यदि बात की जाए, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ऐसे मतलब कि इसमें ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए, तो उसके संदर्भ में बात की जाए कि जैसे इसकी महत्वपूर्णता इसलिए है कि क्योंकि जैसे परंपरागत अर्थशास्त्र है, है ना, तो परंपरागत अर्थशास्त्र में जो क्या था कि जैसे कोई वो उसके जो प्रिंसिपल्स थे तो उसमें क्या है कि इंसानी ताकत और कमजोरियों से मुक्त रोबोट जैसा मानते हैं उसमें, है ना, उनके जो सिद्धांत थे तो एक प्रकार से बहुत ही स्ट्रेट तरीके से वो जो है तो रोबोटिक ढंग से उनके जो प्रिंसिपल्स थे तो वो वैसे हैं ट्रेडिशनल जो इकोनॉमी की बात की जाए। तो वही यदि अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा की बात की जाए जो कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र की बात है, तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र में जो है तो इसकी एक खासियत ये है कि ये लोगों से एक प्रकार से जुड़ी हुई इकोनॉमी है ना, लोगों से एक प्रकार से डायरेक्ट तौर पर ये जुड़ाव मतलब कि बिहेवियरल चेंजेस रिलेटेड है, जैसे कि हमारे अनूठेपन के साथ ये क्या है कि मानव के रूप में ही इसको देखती है ना, ना कि रोबोट के रूप में। तो निश्चित तौर पे
यानी कि एक सही तरीके से ये एक प्रकार से इसको सकारात्मक दृष्टि से भी माना जा सकता है ना। साथ ही इस बात की भी ये परख कराते हैं कि जैसे ये वांछित व्यवहार की दिशा में जो लोगों को एक प्रकार से एक सकारात्मक पहल करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित किया जाए, ये दिशा में भी काफ़ी कुछ भी फोकस करता है ना। भारत के संदर्भ में यदि बात किया तो जहाँ यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक मानक जो है तो लोगों के व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो उसी संदर्भ में बात की जाए तो हमारे जो व्यवहार में जो सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिहाज से बात की जाए तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निभा सकता है ना। लेकिन साथ ही साथ जो है तो उदाहरण के तौर पर यदि बात की जाए कि जो लाभदायक सामाजिक मानकों को एक प्रकार से ये सकारात्मक पहल के द्वारा और भी विस्तार दिया जा सकता है ना। साथ ही साथ इसमें और यदि दूसरे विकल्प की बात की जाए तो हम इसमें सभी व्यापक निष्क्रियता के वशीभूत होकर अक्सर यथास्थितिवाद वाले विकल्प को पकड़े रहते हैं, तो इस निष्क्रियता से बाहर निकलने और बदलाव लाने में मतलब कोई ज़्यादा वो तो नहीं है, तो ऐसे में अपने विकल्पों को प्रभावित किए बिना ही वांछित व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है ना। ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है ना, यानी कि व्यवहारगत जो अर्थशास्त्र है, तो इससे क्या है कि ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि लोग कोई भी चीज़ करने में सक्षम होते हैं फिर भी उस चीज़ को एक प्रकार से इग्नोर टाइप से करते हैं या उस चीज़ को डिले करते रहते हैं, है ना। तो डिले करते रहते तो इसमें तो ये जो इसी प्रकार की यदि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, उसको टाल मटोल करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो तो बहुत ही मतलब कि उसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तो ये व्यवहारात्मक जो अर्थशास्त्र है, व्यवहारगत अर्थशास्त्र है, तो लोगों की जो एक प्रकार से लेजीनेस है ना, या टालमटोल करने की प्रवृत्ति है, तो उसको जो होती है एक प्रकार से ये पुश करता है। पुश किस प्रकार से करता है, उसको एक प्रकार से अप्रिशिएट करके। जब अप्रिशिएट किया करेगा तो लोग क्या है कि उस चीज़ को करने के लिए एक प्रकार से प्रेरित होंगे, है ना। तो वही पूरा यदि हम निचोड़ की बात करें व्यवहारगत अर्थशास्त्र की, तो यही निचोड़ है कि एक प्रकार से लोगों की मनोवृत्ति में घुस करके उनके मानसिक उस पर मतलब जा करके उनको आंतरिक रूप से प्रेरित करना किसी भी काम के लिए, है ना। तो निश्चित तौर पे इसका काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। यदि हम तीसरी बात इसमें की जाए कि जैसे कि अच्छी आदतों को निरंतर बनाए रखना भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि यदि हम एक उदाहरण के तौर पर यदि बात करते हैं कि जैसे यदि हम अपने यहाँ पास ग्राउंड लेवल पे ही बात करें कि जैसे अब यहाँ पास जैसे स्वच्छ भारत के संदर्भ में यहाँ पास पूरी तरह से लोगों को टॉयलेट बना सरकार के द्वारा बनाए गए, है ना, ठीक है। अब जब ये टॉयलेट बनाए गए तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया गया, है ना, पूरे एक अभियान चलाए गए स्वच्छता से रिलेटेड, साथ ही शौचालय से ODF रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अभियान सरकार के द्वारा चलाए गए, साथ ही साथ बनवाया भी गया। तो अब लोगों ने क्या किया कि उसको बनवा तो लिया, ठीक है, अब कुछ लोग सरकार अब मतलब कि प्रेरित किया जा रहा है, कुछ लोग तो ऐसा है कि मतलब बन गया तो बनने के बाद क्या है कि उसका कुछ दूसरे तरीके से उसका यूज करने लगे, कोई कुछ अपना सामान वहाँ पर रख रहा है, तो कुछ जानवरों को वहाँ पर रख रहे हैं, है ना। तो उसका जिस पर्पज़ से उसको बनाया गया था उस पर्पज़ को ना करके उसका दूसरे तरीके से दूसरे काम के लिए उसको उपयोग करने लगे, तो यही यहाँ पास कि फिर तो एक प्रकार से ये तो ना के बराबर ही हो गई ना। सरकार ने इतना मतलब कि उसमें खर्च करके लोगों को एक प्रकार से हर व्यक्ति को ये पहुँच मतलब कि इसकी सुलभता उपलब्ध करवाई, तो अब उसका भी तो एक प्रकार से ये नाकाफ़ी रहा। तो इसी चीज़ को है कि अब इसको लोग यूज भी करें, है ना, तब तो उसकी एक प्रकार से सकारात्मकता है। जैसे कि आंकड़ों की बात करके शुरुआती आंकड़ों में तो इस प्रकार से भी देखा गया था कि लोगों के पास जब 92% शौचालय उपलब्ध थे तो उसमें से यूज करने वालों की संख्या जो है तो काफ़ी कम थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है तो उस चीज़ को दूसरे काम में यूज कर रहे हैं, तो जब यूज नहीं करेंगे तब तो फिर जो जिस उद्देश्य से उसको इंप्लीमेंट किया गया है तो उसकी तो फिर सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर जो है तो इसको यही है कि इसको निरंतर बनाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए कि एक प्रकार से टाइम टू टाइम प्रेरित करने चाहिए, उनको अप्रिशिएट करते रहने चाहिए, है ना, जिससे कि लोग उस चीज़ को करने के लिए एक प्रकार से प्रेरित हों और एक प्रकार से उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे कि उस चीज़ को बनाए रखें, है ना। तो यदि हम अपने इसी प्रकार की यदि बात करें कि जो सरकार के अभी हाल ही में जो योजनाएं चल रही हैं, है ना, तो वो एक प्रकार से सरकार ने अपनी योजनाओं में क्या किया है कि इसी जो व्यवहारिक जो बदलाव है ना, जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र, उसी का प्रयोग करते हुए उसने काफ़ी ज़्यादा योजनाओं में व्यवहारिक बदलाव को भी एक प्रकार से धरातल पर लाने का प्रयास किया गया है ना। ये देखा जाए उदाहरण के तौर पर यदि बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या है ये, यही है कि इसमें से क्या है कि इसको मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि इसको सरकार ने अच्छे तरीके से प्रेरित किया, लोग भी मतलब कि एम्बेसडर लोगों ने मतलब कि बनाए गए आइकॉन के तरीके से, तो लोग भी उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा उससे देखकर के लोग अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए, है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो है तो इसमें से एक प्रकार से बालिका की जो जन्मदर है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी मतलब कि देखी गई, एक सकारात्मक परिणाम देखा जा सकता है। यदि हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ हरियाणा के उसी ज़िले से ये जो अभियान लॉन्च किया गया था जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे कम
ये सेक्स रेशियो था है ना महिलाओं का, तो उसी वहीं पास फिर देखा गया इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी देखने को मिली। तो उसी तरह की बात की जाए कि जो पहले जैसे बेटी को एक प्रकार से परिवार में बोझ मानने के बजाय जो है तो सेल्फी विद डॉटर का जो कैंपेन चलाया गया, तो इससे भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से पॉजिटिव लोगों में एक प्रकार सकारात्मक धारणा विकसित हुई। साथ ही साथ जैसे कि यदि बात किया जाए कि स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए तो जो कि एक प्रकार से बहुत ही बड़े स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि भारत में लगभग जब 36% स्वच्छता के 2014 की बात किया तो लगभग 36% स्वच्छता का कवरेज एरिया था है ना। तो इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस कैंपेन के तहत जो कि 2014 में इम्प्लीमेंट किया गया, तो उससे जो है तो आज यदि बात की जाए तो लगभग मोर देन 95% स्वच्छता का कवरेज हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो है तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इसी ने जो है तो इसको ये जो आंदोलन था तो इसको जन आंदोलन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसने अदा की है ना। तो वहीं जैसे स्वच्छाग्रहियों की भी अवधारणा है ना, तो इसने भी काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक बदलाव लाने में बहुत ही ज़्यादा प्रेरक की भूमिका में रहा। साथ ही साथ ऐसी बहुत सी ऐसी पहले हुई जिससे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रभावित लोगों को उन्होंने प्रेरित भी किया है ना। साथ ही यदि बात की जाए अब लैंगिक समानता की बात की जाए है ना, स्वस्थ भारत का वहीं कर अनुपालन के जरिए बात की जाए, जैसे कि टैक्स पेयर हैं अपने, तो टैक्स पेयर को भी हाल ही पिछले यदि बजट की बात की है, यदि आप लोगों ने बजट में मतलब कि सुना होगा है ना वित्त मंत्री जी को, उसमें तो उन्होंने मतलब कि किस प्रकार से जो टैक्स पेयर हैं तो उनको कितना मतलब कि एक प्रकार से अप्रिशिएट करने के लिए उनको शुक्रिया भी अदा किया है ना। तो इसे ये क्या है, ये व्यवहार यही तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र के लोगों को एक प्रकार से सकारात्मक दृष्टि उनको प्रेरित कर देना है ना। तो यही है, तो उन मतलब कि इस दिशा में भी लोगों ने काफ़ी मतलब कि लोग टैक्स के उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सकारात्मक वो देखने को परिणाम देखने को मिले। वहीं सामाजिक बदलाव के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडे को भी इससे मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिल रही है, तो वहीं लैंगिक असमानता जो है तो उसके लिए भी एक प्रकार से क्रांतिकारी अभियान की भी एक ज़रूरत है ना वर्तमान संदर्भ में बात की जाए। तो वहीं जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि इसमें और क्या फैक्टर काम करता है ना, यदि इस पर और हम बात करें जैसे कि हमारे धर्मग्रंथ, तो धर्मग्रंथ भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है ना, क्योंकि भारत तो वैसे भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है। तो यहाँ पास जो तो धर्म की बात की जाए तो लोगों में तो एक प्रकार से रचा बसा है और हमारे धर्म है तो लोगों में एक प्रकार से सामाजिक अनुशासन भी लाते हैं है ना। तो जैसे धर्मों की हमारे बात की जाए तो उसमें भी जैसे महिलाओं के संदर्भ में बात की जाए तो वहाँ पास उनको एक प्रकार से देवी की संज्ञा दी गई है। वहाँ पर हमारे जो वेद हैं है ना उनमें तो श्लोकों में भी जैसे कहा गया कि अत्र नारस्तु पूजन तेरा मंते तत्र देवता। तो इस तरह की यदि अवधारणाएं हैं तो इनको एक प्रकार से ब्रॉड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए कि जैसे कि बात की जाए कि जहाँ पास नारी की पूजा होती है तो वहाँ पास ईश्वर का वास होता है, इसी तरह से यदि हम एक प्रकार से एक कैंपेन चलाया जाए या संदेश लोगों में इसकी इंपॉर्टेंस को बताया जाए तो निश्चित तौर पर ये जो है अभियान जो है सांस्कृतिक सामाजिक मानकों पर यदि बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा है ना। क्योंकि जो है तो भारत में व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से निर्णायक तरीके से प्रभावित करते हैं ये जो सांस्कृतिक और सामाजिक मानक होते हैं। तो इसी अभियान को जैसे बेटी आपकी धनलक्ष्मी विजयलक्ष्मी का भी अभी कैंपेन जैसे चलाया गया है, तो ये भी उसी के संदर्भ में इसको भी एक प्रकार से लैंगिक असमानता को मिटाने के लिए भी एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर इसको देखा जा सकता है ना। तो ये बिहेवियरल चेंजेस लाने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे सेल्फी विद डॉटर की बात की तो इसका भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। तो उसी संदर्भ में यदि इसी बिहेवियरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें यदि इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ये भी इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा व्यापकता है। जैसे अमेरिका ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं उन भी सरकारों ने तो स्पेशल तौर पर व्यवहारिक पहलुओं पर गौर करने के लिए तो एक प्रकार से विशेष यूनिट ही गठित की हुई है ना, कि इन लोगों के जो चेंजेस हैं लोगों की जो मेंटेलिटी है लोगों के जो व्यवहार हैं तो उस पर एक प्रकार से निगरानी की जाए, उसमें देखा जाए कि किस प्रकार से लोग व्यवहार तो उसके हिसाब से उनकी पॉलिसीज डिसाइड होती। तो निश्चित तौर पे जैसे यदि बात की जाए जैसे बहुत से अभिभावक है तो वो स्कूल में तो अपने बच्चे के एक प्रकार से एक साल और पढ़ाई पर प्रतिफल को कम महत्व देते हैं, वहीं हाई स्कूल में पहुंचने तक उनको एक प्रकार से स्कूली पढ़ाई को निरर्थक मानते हैं है ना। तो साथ ही साथ जो है तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों को कुछ साल के लिए जैसे एक प्रकार से ड्रॉप आउट वाला है कि घर में बैठ जाते हैं, जबकि उनके पास पढ़ाई को खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सक्षम है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि एक प्रकार से उदासीनता है ना, कि उसको एक प्रकार से हल्के मिला ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना है ना। तो इसके पीछे यही कारण हो सकता है। वही
बात की जाए कि मेडागास्कर में तो जैसे कम शिक्षित अभिभावक हैं, तो अभिभावकों को यहाँ तक बताया जाता है कि बच्चे की एक और साल तक स्कूली पढ़ाई का उनकी जो औसत आमदनी है तो उसके साथ किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, है ना। तो इसी कड़ी में जब बात की जाए कि अमेरिका में भी एक साधारण से बदलाव का उदाहरण यदि देखा जाए यहाँ पास, तो लोगों की बचत में जहाँ 40% की एक प्रकार से इसने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा इससे मिला उनको, है ना। जैसे कि क्या होता था कि वहाँ पास जो है तो लोग खर्च पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं कर पाते थे, है ना। ये एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो वो जितना बचत मतलब करना चाहते थे अपना तो उतना बचत नहीं हो पाती थी। तब यहाँ पास इसी उस पर बिहेवियरल चेंजेस का एक मॉडल के तौर पर वहाँ पास जो है तो एक प्रकार से लोगों को क्या किया गया कि लोगों को एक विशेष खाते दिए गए स्पेशल प्रकार के, है ना। तो जब उसमें ऐसी मतलब कि प्रावधान किए गए थे कि जिसमें बचत के लिए एक निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने से पहले धन निकासी का विकल्प नहीं था, यानी कि एक लिमिटेशन डिसाइड हो गई थी, है ना, कि आपका अकाउंट तो है ठीक है लेकिन इसमें एक लिमिट से जब ज़्यादा हो जाएगा तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे या तभी उसका आप उससे पैसा विड्रा कर सकोगे, उसके पहले आप नहीं निकाल सकते हो। तो निश्चित तौर पर ये लाइन डिसाइड हुई थी तो उसके नीचे की जो मनी हमारी सेव हो रही है तो निश्चित तौर पर ये हमारी सेविंग को बढ़ावा दे रही है, है ना। तो ये जो है तो ये किस प्रकार से एक बेहतर तरीके से ये पॉलिसी डिसाइड करके इससे क्या हो कि लोग भी इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया और बेहतर तरीके से इसमें लोगों की काफ़ी ज़्यादा बचत भी देखने को भी मिली थी। और यदि इसके हम इम्पैक्ट की बात करें तो तकरीबन 30% ने तो इस विकल्प को ही अपना लिया, मतलब कि लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि भी दिखाई। वहीं एक साल में जो बचत का लेवल बात की जाए तो बचत अधिशेष भी लगभग लगभग 74% बढ़ गया था, है ना। तो वहीं जैसे लोग अपनी निष्क्रियता और सकारात्मक प्रेरणा के अभाव में जो है तो अपेक्षित बचत नहीं कर पाते थे, तो अब जो है तो लोग बचत से जुड़े जैसे उनके लक्ष्य हैं तो साथ ही साथ इसके लिए और भी कारगर कदम उठाए गए थे कि जैसे कि जो उनका बचत संबंधित जो टारगेट किए गए थे तो उनको भी समय समय पर याद दिलाने के लिए एक प्रकार से मोटिवेट करने के लिए मैसेज के जरिए भी इसमें मतलब प्रभावी कदम उठाए गए, है ना। तो इन्हीं संदेशों के दम पर ही मतलब कि इस प्रकार के जो कैंपेन चलाए गए तो उसके दम पर ही जो बचत राशि थी उसमें लगभग 6% की बढ़ोतरी देखी गई थी, है ना। तो वहीं ये इस प्रकार से इसका हम एक प्रकार से बेहतर तरीके से व्यवहारिक मॉडल भी देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिला, है ना। वहीं निष्क्रियता आक्रमणता जो है तो लोगों को अनिर्णय का शिकार बनाती है, है ना। वही बात है कि व्यवहारिक उसकी बजाय जैसे कि लोग क्या है कि लोग सक्षम होते हुए भी उस चीज़ को नहीं करते हैं, है ना, उसको डिले करते रहते हैं। तो यही उसके कारण कि जैसे निष्क्रियता या आक्रमणता है तो लोगों जो है तो एक अनिर्णय प्रकार के अनिर्णय की स्थिति में रख देती है, है ना। तो जिसमें वो ये तो जानते हैं कि जानते हुए भी क्या करते हैं कि डिले करते रहते हैं, तो इससे बहुत ही मतलब कि नकारात्मक परिणाम भी इसके हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए कि उर्वरकों की खरीद से संबंधित जो है तो किसान में भी एक प्रकार से उनको एक प्रकार से इग्नोर करते थे, है ना। तो उससे निपटने के लिए एक प्रकार से एक मुहिम चलाई गई कि अफ्रीका में क्या हुआ कि उर्वरक की एक प्रकार से होम डिलीवरी का प्रयास हुआ, है ना। लोग लेना तो चाहते थे लेकिन एक प्रकार से टाल मटोल करते थे उसको। तो सरकार के एक इनिशिएटिव ने क्या किया कि उसको मतलब कि एक प्रकार से होम डिलीवरी का ऑफर कर दिया लोगों को। तो इससे जो है तो उर्वरक का जो प्रयोग था वो 70% बढ़ गया, है ना। तो ये प्रभाव जो है एक प्रकार से सब्सिडी से भी बढ़कर के सब्सिडी की तरह लगभग 50% मूल सब्सिडी के बराबर इसको माना जा सकता है कि मतलब लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपनाया भी, तो इससे निश्चित तौर पर प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ा होगा क्योंकि तो जो मतलब इसका प्रयोग नहीं करते तो जो उनके मतलब कि मिट्टी में आवश्यक जो विटामिन खन मिनरल्स वगैरह नहीं होते तो निश्चित तौर पर उत्पादकता प्रभावित होती। जब उत्पादकता प्रभावित होती तो वह बड़े लेवल पर पूरे देश को प्रभावित करती ना, खाद्य संकट की स्थिति से उत्पन्न हो जाती। तो यहाँ पर सरकार का जो इनिशिएटिव है तो एक प्रकार से होम डिलीवरी का सब्सिडी की प्रकार से ही एक प्रकार से बेहतर कारगर कदम था, है ना सरकार का। तो इसी प्रकार के जैसे उदाहरण के एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब इसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं ना व्यवहारिक बदलाव ला करके। तो जैसे हमारे इसी संदर्भ में जो राज्य हैं तो हमारे उनको भी केंद्र सरकार के द्वारा जो की गई पहल है तो उसमें पार्टिसिपेट करके और साथ ही साथ जो है तो अन्य देशों पे जो आजमाए गए जो व्यवहारिक परिवर्तन के मतलब मॉडल हैं तो उनको भी एक प्रकार से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करके जो नीतियाँ हैं तो उनको एक प्रकार से व्यवहारिक अर्थशास्त्र जोड़ करके सकारात्मक उनके परिणाम देखे जा सकते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पे उसका मतलब कि जो क्योंकि आजकल यहाँ पास क्या होता है कि अपने यहाँ पॉलिसीज तो बहुत सी बनती हैं, भारत तो नीतियों का देश ही कहा जाता है, है ना। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पास इम्प्लीमेंटेशन की समस्या होती है, क्रियान्वयता की समस्या होती है कि वो जो है तो कोई पॉलिसी होती तो निचले स्तर तक एक प्रकार से बॉटम लेवल तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, लोग उसका बेहतर तरीके से लाभ नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर होते हैं, है ना। एक तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी, है ना, साथ ही साथ यहाँ पास ये निष्क्रियता भी बहुत ज़्यादा बहुत हद तक काम करती है क्योंकि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज होती है लोगों को उनका पता ही नहीं होता है, है ना। तो उसका एडवांटेज कैसे ले पाएंगे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर इसका मतलब कि इस प्रकार के मॉडल यदि बिहेवियर इकोनॉमिक चेंज के माध्यम से यदि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोगों को जो व्यवहार है साथ ही साथ योजना
है तो उनको एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो आर्टिकल में इतने ही, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे कि होने जाए सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये वही आर्टिकल है कि जैसे कि दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पास जो है तो नशीले पदार्थों की जो तस्करी जो है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तक तो जैसे पंजाब वगैरह में मतलब कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पंजाब ही मतलब हाईलाइट था, उड़ता पंजाब मूवी आप लोगों ने देखी होगी, है ना, कि किस प्रकार से वहाँ पास जैसे ड्रग्स वगैरह तस्करी वगैरह वहाँ पर कितना ज़्यादा उसके मतलब कि किस प्रकार से उसको दिखाया गया है। तो उसी संदर्भ में यदि बात की जाए तो वो तो ठीक ही है, लेकिन दिल्ली NCR भी इससे मतलब कि छूटा नहीं है, है ना। जहाँ पास मतलब कि एक प्रकार से हाई प्रोफाइल सोसाइटी यहाँ पास रहती है कितना मतलब कि, फिर भी जो है तो ये भी एक प्रकार से एक समानांतर ये भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, है ना। तो जैसे यदि हम ड्रग्स के इस्तेमाल की बात की जाए तो यहाँ पर एक प्रकार से बहु यदि कुछ आंकड़ों पे गौर किया जाए तो 9 से 10 गुना तक यहाँ पास जो है तो ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, है ना। वहीं जैसे कि एक ही बार में लगभग तो लोग करोड़ों रुपए का आधुनिक नशे की मतलब खेपे भी बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जो तो अन्य कार्रवाइयों में भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे ट्रक्स तस्कर के रैकेट भी पकड़े गए। तो यहाँ पर यदि बात करें कि जो दिल्ली में जो नशीले पदार्थ का सबसे ज़्यादा यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान, उसके बाद जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश में हमारे, तो उसके रास्ते जो तो यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, है ना। तो जो जैसे कि बात की जाए कि यदि म्यांमार है, है ना, तो जैसे कि इसमें यहाँ पास इस पर म्यांमार जो है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तो इनसे जो है तो भारत पे आती है। साथ ही साथ यहाँ पास देखा जाए कि यही यहाँ तो जो खपाया गया तो हो गया, उसके साथ ही साथ जो ड्रग्स की खेपें हैं तो उसके साथ दिल्ली के साथ ही यूरोप, ब्रिटेन और लैटिन अमेरिका देशों में सप्लाई कर दी जाती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत ही बड़ा रैकेट यहाँ पास जो है तो चल रहा है ड्रग्स वगैरह का। तो साथ ही साथ यदि बात की जाए तो इन ड्रग्स वगैरह जो है तो इनमें क्या क्या है, जैसे कि हैं कि इन खेपों में लगभग एक से बढ़कर के जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं वो इसमें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात की जाए कि जो डाइजेपाम है, मंड्रेक्स है, एफटेमिन है, मार्फिन है, केटामाइन है, है ना, मेथाम फेटामाइन है, MDMA है, पेंटाजोकिन है, शीडोफिड्रिन, एम्यामोकॉर्डिन, जैसे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ये प्रतिबंधित ड्रग्स हैं। तो ये इनकी तस्करी देखने को मिल रही है और ये धड़ल्ले के साथ यहाँ पास आ भी रही हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर यहाँ पास यदि बात की जाए तो इन मामलों में जैसे कि अफगानी और नाइजीरियाई नागरिक तो पकड़े ही जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पास ये भी खड़ा होता है कि फिर अपनी जो पुलिस है ना, वहीं स्पेशल सेल समिति समेजी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, तो आखिर ये क्या कर रही हैं, है ना। क्योंकि जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इनसे जो आने वाली जो खेपें हैं इनको रोक नहीं पा रही है, यानी कि प्रभावी ढंग से ये मतलब कि कदम नहीं उठा पा रही हैं। आखिर कहीं ना कहीं फेलियर तो है ना, तभी तो ये आ पा रहे हैं। नहीं तो यदि एक प्रकार से हमारा निगरानी तंत्र इतना ही सशक्त होता तो फिर ये कैसे हो जाता, है ना। तो बड़ा सवाल ये भी है कि जो नशा छुड़ाने वाली जो तकनीक है, है ना, और इलाज की जो पद्धतियां हैं, तो उनका भी है कि जैसे हमारी सरकार की जो मौजूदा नीति है तो जो ड्रग्स एडिक्शन है उससे निपटने के लिए जो है तो क्या करती है कि सिंगल क्रॉस ट्रीटमेंट कराया जाता है सरकार के द्वारा, जिसमें क्या किया जाता है कि नशे के शिकार जो लोग हैं तो उनको 4 से 6 हफ्ते तक एक प्रकार से वैकल्पिक दवाओं का एक प्रकार से उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यदि हम बात करें, ये भी जो है तो एक प्रकार से प्रभावी नहीं सिद्ध हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जो नशे की इलाज की इसी पद्धति को हालांकि मान्यता तो देता है, लेकिन मौजूदा संसाधन में जो ये बात की जाए तो ये ज़्यादा एक प्रकार से नाकाफी ही जैसा है, है ना। वहीं सरकार का जो ज़्यादा ध्यान सिर्फ पुनर्वास और सुधार केंद्रों पर ही है तो इससे समस्या का संपूर्ण निराकरण तो संभव नहीं हो सकता है, है ना। तो इसके लिए ज़रूरत है कि इसको एक प्रकार से ब्रॉड लेवल पे इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। वहीं जैसे आज नशे की समस्या की बात करें तो आज ये पंजाब तक ही सीमित ना होकर कि बल्कि हरियाणा, है ना, वहीं दिल्ली के स्कूल कॉलेज के सामने भी लोग एक प्रकार से बच्चे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, एक प्रकार से एडिक्टेड हो रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो कोटा जो है तो ड्रग्स का गढ़ ही माना जाता है। वहीं देहरादून में देखा जाए तो वहाँ पास भी इस प्रकार की समस्या बनी, यानी कि ये बात की जाए तो आज जो ये नशा है, ड्रग्स वगैरह है, तो आज एक प्रकार से भारत के संदर्भ में बात की जाए तो एक बहुत ही बड़े स्तर पर एक प्रकार से सामाजिक समस्या के रूप में उभरा है, है ना। तो जो एक प्रकार से परंपरागत इसके पीछे कारण कुछ यदि इस संदर्भ में बात की जाए तो जो परंपरागत जो पारिवारिक ढांचे थे तो उनके बिखराव और स्वच्छंद जीवन शैली साथ ही सामाजिक अलगाव जैसी समस्याओं के कारण ये जो तो काफ़ी ज़्यादा इनको बढ़ावा भी मिल रहा है। और जैसे हमारे नैतिक मूल्यों के पतन के साथ भी इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लोग इसकी तरफ मतलब कि बढ़ते जाते हैं। साथ ही सरकार और समाज जो है तो दोनों को इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रकार से मिल करके इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है तो एक मतलब प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है, है ना। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बुराई जो है तो एक प्रकार से ये बढ़ रही है, है ना। तो इसको निश्चित तौर पर जो है तो इसके लिए एक प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं अपने, जो कि माधव गाडगिल जी का आर्टिकल है कि अब कोई विकल्प नहीं है प्रकृति को बचाने के सिवा, है ना।
जैसे यदि बात की जाए कभी जो आरे मिल वाली जो कॉलोनी वहाँ पास जो मेट्रो शेड की बातें हुई थी है ना, मेट्रो वहाँ पास कार शेड बनाने के लिए जो पेड़ काटे गए थे, लगभग 2,000 से ज़्यादा कई पेड़ काटे गए थे, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे तो दे दिया, लेकिन उसके पहले पहले ही वहाँ पास जो थे जितने उपयोग करने थे पेड़, उतने पेड़ कट चुके थे है ना। तो फिर तो मतलब कोई खास हुआ नहीं है ना, जितना पर्यावरण को नुकसान होना तो वो तो उन्होंने मतलब कर ही दिया, स्ट्राइक करने से कोई मतलब नहीं हुआ है ना। तो इसी संदर्भ में यहाँ पास इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो आरे मिल कॉलोनी AMC थी, तो वो तो संजय गांधी मतलब कि जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के एक प्रकार से बिल्कुल उससे लगा हुआ ही इलाका है ना। तो उसी पे जहाँ पास की पहले क्या हो तो बहुत ज़्यादा मतलब मलेरिया का प्रकोप रहा करता था उस क्षेत्र में, साथ ही साथ वहाँ पास इसी कारण जो है तो आबादी वहाँ पास ज़्यादा तो नहीं थी है ना। तो इस वजह से जो है तो इसका पर्याप्त जो प्राकृतिक जो वन वहाँ पास से तो वो संरक्षित थे क्योंकि आबादी ज़्यादा नहीं थी। फिर साथ ही यहाँ पास जो है तो पर्णपाती जंगल एक प्रकार से ज़्यादा मात्रा में थे, और ये इलाका जो है तो इसी कारण जो है तो वन्य जीव भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पास थे है ना। उसके पर्यावरणीय दृष्टिकोण की बात की जाए तो ऐसी स्थिति थी। साथ ही साथ जो है तो आरे मिल कॉलोनी जो थी उसको 1949 में इस उद्देश्य से बसाया गया था ताकि जो शहर के जो मवेशी हैं उनको यहाँ लाया जा सके। साथ ही कुल क्षेत्रफल में की बात की जाए वहाँ पास तो जो 160 हेक्टेयर का इस्तेमाल जो वहाँ पास चारा उगाने है ना, ये ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पास किस प्रकार से यहाँ पास आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लोगों ने आखिर स्ट्राइक क्यों किया है ना, सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन क्यों किया, तो उसके संदर्भ में जानने के लिए जरूरी है कि जैसे इसका जो हम बैकग्राउंड पे चलते हैं तो लगभग लगभग इसका जो 160 हेक्टेयर का जो इस्तेमाल था वो चारा उगाने है ना अन्य कार्यों के लिए था, साथ ही साथ जो बाकी का हिस्सा था तो उसमें जो है तो विभिन्न संगठनों को एक प्रकार से वो लीज पर दिया गया था है ना। तो वहाँ पास जो है तो बिना किसी विरोध के या बिना किसी प्रदर्शन के लोगों ने लोग पेड़ भी वहाँ पास काटते रहते थे है ना, कटाई होती रहती थी। लेकिन आखिर यहाँ पास वर्तमान में इस प्रकार से क्या ऐसे चेंजेस आ गए कि लोग जो है तो वहीं पास अब जो है तो पेड़ों को काटने से लोगों ने एक प्रकार से लोग सड़कों पर उतर आए है ना। तो वही यदि बात की जाए तो आखिर लोगों की जो माइंडसेट बदलने के क्या कारण हो सकते हैं है ना, तो इसके पीछे सरल सा कारण है। यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं तो जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं की एक प्रकार से बढ़ते मतलब कि उनकी बढ़ते जा रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं है ना अनियमित तरीके से, तो साथ ही साथ ये बात की जाए तो इसके लिए लोगों के माइंडसेट चेंज करने के लिए भी एक बहुत बड़ा ही कारण इसको माना जा सकता है कि लोग अब समझ गए हैं इस चीज़ को कि इनके पीछे निश्चित तौर पे जो है तो यदि पर्यावरणों को नुकसान पहुंचाया जाए तो जो जाता है तो उसी का ये जो है तो एक प्रकार से इसका परिणाम के तौर पे इसको देखा जाए है ना, ये इसका परिणाम ही है ना। तो साथ ही साथ जो है तो वे लोग अब इस चीज़ को भी एक प्रकार से समझने लगे जो दुनिया में अब ऐसे मतलब कि समस्याएं है ना, अब प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं इस प्रकार से और भी भयावह उग्र रूप से आ रही हैं, तो जहाँ यदि एक प्रकार से यदि हम अपने जो हमारी पहले से जो चल रही प्रकृति के प्रति कम एक प्रकार से उदासीनता की जो नीति थी है ना, तो उसमें यदि हम उसी को उसी प्रकार से मतलब कि रखा गया, हमने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया तो निश्चित तौर पर आगे जो है तो बहुत बड़ी चुनौती सामने आएगी है ना। तो वहीं जो है तो यदि हम इसके उदाहरण के तौर पे देख भी सकते हैं कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, वहीं जो हवा में नमी बढ़ रही है तो वहीं कम अंतराल पे जैसे भारी बारिश भी देखने को मिल रही है ना। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि स्थानीय स्तर पर जो पड़ने वाला इसका प्रभाव है ना, जहाँ पर जैसे कि हवा में जो मौजूद वाष्प है तो तब एक प्रकार से जो है पानी बनकर बरसता है, और जब अपड्राफ्ट की स्थिति बनती है यानी समुद्री हवाएं जब पश्चिमी घाट को छूती हैं है ना, तब बाकी यदि बात की जाए तो जब जगह मतलब कि धरती एक प्रकार से जब गर्म होती है तो हवा ऊपर की ओर उठने लगती है, और तब मतलब कि इस प्रकार के मतलब वर्षा होती है जब पेड़ पौधों की जगह सीमेंट और कंक्रीट के जंगल हुआ जाते हैं। इसके पीछे ये भी रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर जैसे कि जहाँ मतलब कि प्राकृतिक के बजाय यहाँ पास हम कृत्रिम अपने एक प्रकार से हमने अपना वो बना लिया है ना, सीमेंट कंक्रीट पेड़ पौधों की जगह ये चीज़ें आ गई, तो कहाँ पास से एक प्रकार से जो नियमित मानसून पहले होता था नियमित वर्षा होती थी तो निश्चित तौर पे ना उसका संतुलन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। जो पहले एक प्रकार से जैसे वास वगैरह है ना, तो अपड्राफ्ट की स्थिति जैसे बनती थी तो उसमें भी अब जो होती है एक प्रकार से, जहाँ पहले यदि बात करते हैं कि हमारे जो वन थे तो वन वैसे भी जैसे कहा जाता है कि वन जो है तो वर्षा को आकर्षित करते हैं है ना, अब उनकी जगह पे यदि पेड़ पौधे की जगह पे यदि हम सीमेंट कंक्रीट लगा देते हैं तो ये तो एक प्रकार से और भी उसका एक नकारात्मक दिशा मतलब कि नकारात्मक असर देखने को मिलेगा कि जो एक प्रकार से स्वाभाविक पहले वर्षा होती थी तो उसका तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वही चेंज हो गया है, पूरा मॉडल ही चेंज हो गया कि वो एक प्रकार से अनियमित वर्षा होने लगी है ना। साथ ही साथ
एरोसॉल की समस्या की बात की तो भारत में तो एरोसॉल का स्तर मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा है ना। वहीं जब हवा में जैसे जलवाष्प बनती है तो वो एरोसॉल से मिलकर के पानी की एक प्रकार से एक अनियमित तरीके से छोटी छोटी बूंदें बनाती है, और यही जो छोटी छोटी बूंदें हैं तो वही मिल करके एक प्रकार से कम अंतराल में तेज़ बारिश करवाती है ना। हमने मानसून अपने पिछले मतलब कि एडिटोरियल मानसून के एडिटोरियल में इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि विस्तार से देखा भी, किस प्रकार से मानसून का जो पैटर्न है तो चेंज हो रहा है ना, इसके लिए किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज है और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं तो उसके लिए किस प्रकार से जिम्मेदार हैं। और अभी अपने इसके उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि अपना जो ये मानसून था तो देरी से आया है, और मानसून अब देरी से जा भी रहा है, तो इसके पीछे हम लोगों ने इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ब्रॉड स्तर से और नई डायमेंशन के साथ उसको डिस्कस भी किया था। तो उसी प्रकार की जो समस्याएं यदि बात करते हैं तो ये जो नियमित अंतराल पे जो बारिश वगैरह होती रहती है तो है ना, तो इससे जो भयंकर बाढ़ की समस्याएं आते हैं जिस इसके उदाहरण के तौर पे साथ ही साथ भूस्खलन की भी संभावना है। हम इसको उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे कि बिहार में अभी हाल ही में आई, तो ये अनियमित वर्षा ही तो है कि जब मानसून एक प्रकार से कम होने की स्थिति आ गई थी, यहाँ तक कि मतलब वैज्ञानिकों ने भी मतलब कि मानसून जाने की बातें करी थी कि मानसून अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, इस बार बारिश ज़्यादा नहीं होगी, तो जस्ट उसके उलट ही हुआ मानसून का स्वभाव, और वहाँ पर जो है तो अप्रत्याशित तरीके से औसत से भी ज़्यादा वहाँ पर कितना ज़्यादा बारिश हुई और लोगों को कितना ज़्यादा मतलब तबाही का सामना करना पड़ा था है ना। वहीं बात की जमीन संरचना पर भी इसका बहुत ज़्यादा गंभीरता मतलब कि निर्भर करती है, जैसे कि केरल के जो वायनाड जिले का भूस्खलन, इसके कह सकते हैं कि ये भी एक उदाहरण के तौर पर इसका देखा जा सकता है किस प्रकार से मतलब कि पैटर्न चेंज हो रहा है। वहीं इस इलाके में जहाँ प्राकृतिक सदाबहार वन को ख़त्म करके एक प्रकार से वृक्षारोपण किया गया था ना, इसके पीछे बैकग्राउंड की बात करते हैं कि यहाँ पर जो भूस्खलन था उसके कुछ प्रभावी कारण इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पर जो प्राकृतिक सदाबहार वन था तो उसको नष्ट करके और वृक्षारोपण अलग से फिर किया गया था। तो जब यहाँ पास भूस्खलन आए तो इस भूस्खलन में जो मजबूत जड़ वाले जो प्राकृतिक वन पहले के थे तो वही बच पाए, बाकी जो नए लगे थे तो वो उखड़ गए। अब यहाँ पास हम इसी चीज़ को यदि हम इससे इंटरलिंक करते हैं जो आरे कॉलोनी वाली बात लोगों ने की थी है ना, तो यहाँ पास से लोगों ने ऐसा ही बोला कि जो मुंबई की मीठी नदी के जो जलग्रहण क्षेत्र है उससे 2000 पेड़ काट करके बगल में 20,000 पेड़ों को लगाने का उन्होंने दावा किया था। तो ये तो फिर इसी प्रकार से इस उदाहरण के संदर्भ में बात की तो ये फिर तरसंगत नहीं रह जाता ना कि जिस प्रकार से यहाँ पास ये वृक्षारोपण ही तो किया गया था, तो वृक्षारोपण करने के बाद भी भूस्खलन में ये उतना कारगर साबित नहीं हो सका, तो ये तो फिर जो तर्क है तो यहाँ पास यथोचित नहीं हो पाता है ना। और एक और ये दावा किया जाता है कि जैसे वायु प्रदूषण से निपटने का सटीक उपाय जो है तो मेट्रो है। यदि हम मेट्रो की बात करते हैं तो इसके लिए पहली बात तो ज़रूरी यह है कि आम लोगों को मेट्रो की तरफ प्रोत्साहित किया जाए, तो ऐसे तो कोई ऐसी मतलब कि सरकार की पॉलिसी तो नहीं देखी जा रही कि ज़्यादा लोगों को मेट्रो की तरफ ज़्यादा मतलब कि प्रोत्साहित किया जाए है ना। यदि आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली और बेंगलुरु में मेट्रो होने के बावजूद भी देखो कि सड़कों कितनी मतलब कि एक प्रकार से पूरी तरह सड़कें जाम होती है और ट्रैफिक का कितना ज़्यादा हाई लेवल है ना। तो ये जो है तो और साथ ही साथ ये जो है तो एक प्रकार से निरंतर बढ़ती ही जा रही है, तो ये तो एक प्रकार से इसका प्रभावी कदम नहीं माना जा सकता है ना। साथ ही साथ बात की जाए तो जाहिर है कि जैसे मेट्रो निर्माण के लिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का तर्क बात करते हैं तो ये भी जैसे कि बेंगलुरु अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बात की जाए तो ये भी था कि वहाँ पास जैसे मेट्रो निर्माण के दौरान है ना, मेट्रो निर्माण के दौरान वहाँ पास सांस संबंधी जो बीमारी थी तो उससे जो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे है ना। यानी जहाँ पास बताया जाता कि मेट्रो के मतलब कि उसके ज़्यादा मतलब कि पर्यावरण के लिए काफ़ी सकारात्मक अच्छा मतलब होगा, तो इससे यहाँ पास इसके ये भी नकारात्मक पॉइंट हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब कि प्रभावित करता है पर्यावरण को उसके निर्माण के समय है ना। तो ऐसे में हमें जो है तो अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकल कर बल्कि और नए डायमेंशन से सोचने की ज़रूरत है, साथ ही साथ और नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है, नई नीतियाँ बनाने की ज़रूरत होगी है ना। देश में जैसे जल प्रवाह और भी ज़्यादा मतलब कि उनसे बाधित ना हो, साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पतियों को भी ज़्यादा नुकसान ना हो है ना। शहरों में जैसे एक प्रकार से जो ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट एक प्रकार से पूरी तरह से गर्म टापू बनाने की स्थिति है तो उसमें भी साथ ही साथ एरोसॉल का जो स्तर बढ़ रहा है तो उसमें भी नियंत्रण करने की जरूरत है। इस प्रकार के जो तो अब सरकार को जो है तो प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, साथ ही साथ हर डायमेंशन पे जो पर्यावरण के पर पड़ने वाले पूरे इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से उसको एनालाइज करने की जरूरत है, तभी जाकर के एक प्रकार से महत्वपूर्ण नीति बना करके है ना इन चीज़ों को शामिल करके ही एक प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाया जा सकता है ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।